हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त राहुल और मैं आज आप लोगों को सीवीआर रेटिंग बतलाने वाला हूँ कि सीवीआर रेटिंग कैसे होता है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ ये वाला फ़ोटो को एडिटिंग कर करके दिखा दे रहा हूँ। ये वाला मेरा मोबाइल का फ़ोटो खींचा हुआ है। देखिए ये कितना लो क्वालिटी में ये फ़ोटो दिख रहा है। इसको हम पूरे फुल HD क्वालिटी में बना करके दिखाएंगे आप लोगों के सामने। आप लोग बस इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हमारा मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आइए मैं इसको कर ले रहा हूँ शेयर। मैं शेयर करूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में से, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में इसे कर लूँगा ओपन। मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में उसको शेयर कर लिया हूँ। शेयर कर लेने के बाद मेरा फ़ोटो यहाँ पे शो कर रहा है। तो शो हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं एडिटिंग करने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि अच्छी तरह से जानकारी मिले, और पूरा फुल स्क्रीन कर करके देखें तो पूरी अच्छी से जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट में आप लोगों को आना है, और आने के बाद यहाँ पे नीचे में बहुत सारा ऑप्शन ये जो दिख जा रहा है ये इसको आप लोगों को भगा करके इसी में से एडिट करना होगा। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ऑटो दिखेगा, ऑटो के बाद लाइट दिखेगा, लिगजेक्ट पे करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग लाइट को माइनस प्लस कर सकते हैं। तो मैं लाइट को माइनस प्लस करना नहीं चाहता हूँ, मेरा लाइट जितना है उतना ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को आप लोगों को माइनस ही रखना होगा जो भी आप फोटो एडिटिंग करेंगे। उसके बाद आप लोग को हिजक लाइट को भी अपना फ़ोटो में भी माइनस ही रखना है, और शो दास को हल्का सब बढ़ा देना होगा। और उसके बाद वाइट जो दिख रहा है वाइट को भी आप लोग को माइनस रखना होगा, वाइट को भी माइनस रख लिया। उसके बाद ब्लैक को आप लोग को क्या करना होगा कि ब्लैक को भी माइनस करना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, सिंपली इसके बाद वाले ऑप्शन पे जाना होगा। इसके बाद वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को टैम्प को हल्का सा बढ़ा देना होगा, और उसके बाद दूसरे वाले को भी हल्का सा माइनस कर लेना होगा, थोड़ा सा इसको माइनस रखना होगा। उसके बाद फेवरेट को हल्का सा बढ़ा देना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोग को सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करना होगा कि ऊपर में इसी ऑप्शन पे दिख जाएगा मिक्स पे करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे कि ये जो रेड कलर दिख रहा है तो रेड कलर से देखिए दोस्त क्या होता है। रेड कलर पे मैं ये वाला टिक लगा दिया हूँ। टिक लगा देने के बाद मैं सैचुएशन को यहाँ पे बढ़ाऊँगा तो देखिए दोस्त हमारा ये सैचुएशन बढ़ रहा है तो कितना मस्त डार्क हो जा रहा है। माइनस कर रहा हूँ तो पूरा माइनस। तो आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से आप लोग अपना सैचुएशन बढ़ा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पूरा 100 रखना चाहता हूँ मेरा, ताकि फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लूज है तो मैं इसलिए पूरा 100 रखना चाहता हूँ। और इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग इसी में ऊपर से शॉट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसा कलर रखना चाहते हैं। तो मैं ये वाला कलर को रखना चाहता हूँ, इतना हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा कि इसके बाद वाले ऑप्शन पे जाना है, ऊपर कलर वाले पे इसके बाद वाले पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सैचुरेशन को कर लेना होगा माइनस। सैचुरेशन को यहाँ पे माइनस करना होगा हल्का सा, लाइट को हल्का सा आप लोगों को बढ़ा देना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर येलो कलर पे जाना है। येलो कलर पे जाने के बाद आप लोगों को सैचुरेशन को कर लेना होगा हल्का सा, टिक भी जो हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसके बाद वाला बैकग्राउंड ये ग्रीन कलर जैसे कि हरा कलर पे जाना होगा। हरा कलर पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि इसका सिचुएशन को कर देना बढ़ा देना होगा। बढ़ा देने के बाद आप लोग फिर उसके ऊपर वाला ह्यू पे जा करके आप लोग अपना बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हैं। ये वाला मैं बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो अपना लाइट घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं लाइट इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसके सैचुरेशन को कर देंगे पूरा माइनस। हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, इसके बाद वाले टूल्स पे जाना है। इसके बाद यहाँ इसको भी सैचुरेशन को आप लोगों को पूरा माइनस रखना है, यह भी सैचुरेशन को माइनस। इसके बाद रेड सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा देना होगा। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को कर देना होगा डन। देखिए दोस्त सिंपली मेरा ये पहले का ये फ़ोटो और रवि का ये फ़ोटो। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ से आप लोग इसके बाद वाले टूल्स पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कर लेना होगा टेक्स्ट
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को हल्का सा बढ़ा देना होगा, और ये बढ़ जाने के बाद आप लोग को नीचे वाला ऑप्शन को भी हल्का सा बढ़ा देना होगा, और तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को भी आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, बढ़ा घटा करके तीसरे वाला ऑप्शन को आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से बना लीजिएगा, आप लोग कैसा रखना चाहते हैं। इसके बाद में क्या कीजिएगा कि इसके बाद वाले ऑप्शन पर जाना है, फर्स्ट वाले को बढ़ा देना होगा, उसके बाद इसमें सबको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इसमें नॉइस रिडक्शन को आप लोगों को 50 से ज़्यादा रखना होगा, डिटेल्स को भी थोड़ा, कंट्रास्ट को भी, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ा देना। उसके बाद स्मूथ जो दिख रहा है इसको बढ़ा देना होगा लगभग आप लोगों को 80 के आसपास। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा कि इसके बाद वाला दोनों ऑप्शन ये जो दिख रहा है इसको भी कर देना होगा चालू। तो देखिए दोस्त, ये मेरा पहले का सिंपली ये फ़ोटो और अभी का ये फ़ोटो, ये फ़ोटो में आप लोगों को कितनी अच्छी एडिटिंग की जानकारी मिल गई। और ऐसे ऐसे फ़ोटो की एडिटिंग की जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक जल्द से जल्द मिल सके।